का एक और नई वीडियो में स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक और फ्री जॉब। गाइस, आज की जो जॉब होने वाली है वो हेल्पर कैटेगरी की होने वाली है। एक्चुअल मैं थैंक्स कहूँगा हमारी टीम को और आप लोगों को, जो पिछले 2-3 महीने से होटल के लाइन में, होटल फील्ड में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी धूम मचा रखी है। जहाँ देखो बड़ी बड़ी होटलों में आपको हमारे कैंडिडेट्स मिले जाएंगे वर्क एट एवर वाले। आंध्रा बनु हुआ, आंध्रा भवन हुआ, वृंदावन होटल हुआ, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े चाट सेंटर हुए हैं। मतलब कहने का ये है कि अभी हमारी कंपनी ऐसे ऐसे एरियाज है, ऐसे ऐसे जो है फील्ड कवर कर रही है जहाँ पे आपको अच्छे से अच्छा बेनिफिट मिले, आपको अच्छे से अच्छा फायदा मिले। एक्चुअली गाइस, मैं ये वीडियो शुरू करूंगा उससे पहले कुछ बातें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ कि एक्चुअल क्या रहता है कि काफ़ी जो है रहता है ना, जितने कॉल आते हैं उस कॉल में से 10-15 कॉल ऐसे निकल आते हैं जो सीधा बोलते हैं कि सर कंपनी का काम लेके आइए, सर कंपनी जॉब है क्या सर। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसा रहता है यार कि कंपनी एक्चुअली ये कंपनी है क्या। आप एक छोटी होटल से बड़ी होटल में कन्वर्ट होती है तो वो भी एक कंपनी है, या फिर बड़ी बड़ी होटल्स है वो भी एक कंपनी है, या फिर सॉफ्टवेयर कंपनी है। मतलब व्हाट इज दिस कंपनी, ये कंपनी क्या है। तो एक्चुअल में क्या है कि उनके अकॉर्डिंग जो पैकिंग और पिकिंग का काम रहता है वो कंपनी का काम है, जो मैन्युफैक्चर में काम रहता है वो कंपनी का काम है। फ्रेंड्स देखिए, ऐसी बात है कि हमारी टीम कोशिश करती है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को अच्छी सी फैसिलिटी वाली जॉब मिले, आपको अच्छी सुविधा वाली जॉब मिले, आपको अच्छी सुविधा वाला काम मिले। आप अगर पैकिंग पिकिंग में जाते हैं तो वहाँ पे आपको, मैं हर बार यही बोलता हूँ कि वहाँ पे आपको 14,000-15,000 देखने को सैलरी मिलती है, लेकिन आप उसमें से खाने का काट लीजिए, आप उसमें से रूम का काट लीजिए, वो सारा का सारा डिडक्शन करके आपको उतना ही सैलरी मिलता है, 10,000-9,000-8,000 उतना ही देखने को मिलता है। और जहाँ अगर ये बात बोलते हैं कि जो है मैं महीने के जो है 15,000-16,000 कमाता हूँ, तो उनको पूछो जाके कि कितना जो है डबल ड्यूटी करता है वो, 24 आवर्स, 13 घंटा 14 घंटा 15 घंटा तक जो है लड़के लोग काम करते हैं फैक्ट्री में। हम लोग जाते हैं ना फील्ड में, हम लोगों को पता है जो है कैसे जो है आदमी काम करते हैं वहाँ पे। मतलब कि बैठने का आराम नहीं रहता उन लोगों का, ऐसे कंडीशन में वो लोग काम करते हैं, तब जाके उनका जो है 14-15 हज़ार कहीं पे होता है। उसमें भी फिर वो खाने का रूम का अगर निकाल दिया जाए तो सैलरी उतनी ही रहती है। हमारी टीम क्या करती है कि उनकी कोशिश रहती कि आपको मिनिमम सैलरी 12 तो मिले ही मिले, इसके अलावा कंपनी की तरफ से क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है उतनी कोशिश करवा के आपको दिलवाएं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये नहीं है कि जो पैकिंग का काम खराब है या फिर पिकिंग का काम खराब है, लेकिन कहने का मतलब है कि आप अगर उसमें से अपना खाना पीना रूम सब कुछ निकाल देंगे तो बचता आपको वही है जो अदर दूसरी जगह दूसरे प्लेस में होता है। एनीवे, आज की ये हमारी जो जॉब होने वाली है वो होटल में सर्विस बॉय की होने वाली है। इस जॉब में आपको बहुत ही अच्छी खासी टिप्स देखने को मिलती है, इस जॉब में आपको अच्छी फैसिलिटी देखने को मिलती है। तो शुरू करेंगे आज का ये वीडियो जो है होटल कैटेगरी में। ये एक्चुअल में हमारी एक लास्ट जो है, मान के चलिए कि जितना पिछले महीने दिसंबर और जनवरी में वीडियो अपलोड हुआ, तो उसमें से एक मान के चलिए एक 50% वीडियो जो है आपको होटल कैटेगरी में मिलेंगे। प्रेजेंट टाइम में हमारी टीम जो है कर्नाटका के अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी होटल कवर कर रही है, वहाँ पर भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और क्लाइंट तो इतने खुश रहते हैं कि एक दूसरे से लिंक के पास से हमारे इतने सारे अच्छे कॉन्टेक्ट आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये जो होने वाली है वो हेल्पर कैटेगरी में होटल में सर्विस बॉय की होने वाली है। इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 12,000 रहेगी, स्टार्टिंग सैलरी 12,000 रहेगी। और इसके अलावा अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो इसमें आपको जो है टिप्स भी अच्छी खासी मिलती है। हम लोगों का ही लड़का वहाँ पे जो काम करता है उसके अकॉर्डिंग ही मैं बात बताऊँ, क्योंकि महीने का मान के चलिए कि 6,000-7,000 रुपये उनकी टिप्स आ जाती है महीने की।
तो वो तो एक अलग चीज हो गया, वो तो आपका जैसे ओटी रहता है ना, ओवर टाइम जहाँ फैक्ट्री वगैरह में करते हैं, वैसा ही समझ लीजिए कि वो तो फिक्स नहीं रहता है, कभी उतना भी हो जाता है, कभी 8-9 हज़ार भी हो जाता है, इवन तक कभी कभी 12 हज़ार तक भी टिप्स आती है लड़के लोगों को। और आपको पता है कि आजकल जो है 10-20 रुपए का जमाना नहीं रहा है, जो भी टिप्स देगा वो 50-100 रुपए ही देगा। तो एनीवे वो टिप्स की तो एक अलग ही बात हो गई, वो एक अलग मैटर है। हम लोग आज जो बात करेंगे वो मेन चीज क्या है, तो इसमें 12 हज़ार सैलरी रहेगी और कंपनी की तरफ से तीनों टाइम खाना फ्री रहेगा और कंपनी की तरफ से रहने की फैसिलिटी फ्री रहेगी। कंपनी की तरफ से तीनों टाइम खाना फ्री, कंपनी की तरफ से रहने की फैसिलिटी फ्री। अब मैं ड्यूटी की बात करूं तो ड्यूटी इसमें सिर्फ और सिर्फ 9 घंटा होने वाली है। अब इसमें 9 घंटा एक्चुअल में है, कभी कभार ऊपर नीचे भी होता है। मान लो अच्छे कस्टमर आ गए क्लोजिंग के टाइम में या ओपनिंग के टाइम, तो उस समय आपको 10-15 मिनट जो है कभी लेट बंद करना पड़ता है या हो सकता है कभी जल्दी ओपन करना पड़ता है, तो वो थोड़ा एडजस्टमेंट के हिसाब से चलता है, ये बात सबको पता रहती है। इसमें ओनली 4 मेल कैंडिडेट्स अभी प्रेजेंट टाइम में रिक्वायरमेंट है। लोकेशन की बात करूं तो चित्तूर लोकेशन में अभी जो है प्रेजेंट टाइम में रिक्वायरमेंट चल रही है। आज की ये जो वीडियो है वो चित्तूर लोकेशन का है, होटल में। गाइस आप अगर हमारे इसके यूट्यूब चैनल के अलावा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को अगर फॉलो करके रखते हैं तो वहां पर भी आपको डेली अपडेट मिलता है, एक जॉब के रिलेटेड, दो जॉब के रिलेटेड में, तीन जॉब के रिलेटेड में, मतलब छोटी छोटी जॉब्स जो पोस्ट है वो आपको हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे देखने को मिलेगी। और यूट्यूब पे जितना भी वीडियो आता है वो 100 बंदों की रिक्वायरमेंट, 200 बंदों की रिक्वायरमेंट, 50 बंदों की रिक्वायरमेंट है, जो बल्क हायरिंग रहती है वो आपको यूट्यूब पे देखने को मिलती है। तो गाइस ये जो रहेगा वो होटल कैटेगरी में है। इसके अलावा लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज इसमें जो है रहेगा हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु। कहने का मतलब है कि हिंदी जो है एक प्रॉपर आना चाहिए कैंडिडेट्स को, इसके साथ में हल्की फुल्की इंग्लिश आनी चाहिए। अब इंग्लिश तो जनरल सबको आती ही आती है, हम लोग जो फोन यूज करते हैं उसमें जो इंग्लिश हम लोग यूज करते हैं, बस उतनी इंग्लिश अगर उस कैंडिडेट्स को आ जाए तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, आ सकता है, काम कर सकता है। अब मैं एज लिमिट की बात करूँ तो एज इसमें जो 18 साल से लगाकर 25 साल लास्ट रहता है। अगर कोई कैंडिडेट 27, 28, 30 साल का है और उसको थोड़ा एक्सपीरियंस है होटल कैटेगरी में या होटल लाइन में, तो वो बंदा भी अप्लाई कर सकता है, उसकी भी सैलरी अच्छी खासी 12 से ज़्यादा 13,000-14,000 जो है देखने को मिलती है इस जॉब में। तो फ्रेंड्स इसमें जो रहेगा वो 2 शिफ्ट चलती है, सुबह 6 बजे से लगाकर 9 घंटे ड्यूटी रहती है। इसके अलावा दूसरी शिफ्ट 12 बजे से चालू होती है, रात के जो है एक 10 बजे तक रहती है और सुबह 6 बजे से लगाकर दोपहर के 4 बजे तक मान के चलिए रहती है। तो 2 शिफ्ट चलती है इसमें, तो शिफ्ट जो है रोटेट होती रहती है। इसमें अभी प्रेजेंट टाइम में 60 से 70 कैंडिडेट्स की जरूरत है, 60 to 70 कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड इन दिस जॉब। जो जो बंदा इंटरेस्टेड है वो बंदा डायरेक्ट फोन कर सकता है या फिर हम लोगों को व्हाट्सएप कर सकता है। कॉलिंग का टाइम हमेशा की तरह वही रहेगा, चैटिंग के लिए आप अपना जो है कभी भी कॉल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करो तो पैन कार्ड एक रिक्वायरमेंट रहता ही रहता है, इसके अलावा आधार कार्ड जो है रहेगा, इसके अलावा आपकी एक फ़ोटो रहेगी। अगर आप हमारे ऑफिस विजिट करते हैं तो आपको 3 फोटो की रिक्वायरमेंट रहेगी, अगर आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग होते हैं तो 1 फोटो की रिक्वायरमेंट रहेगी। वैसे जनरली हमारी टीम जो है कोशिश करती है कि सब कुछ डिजिटल होने के बाद में आपको, कहने का मतलब है कि सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस कर रही है अभी कंपनी। काफ़ी लोगों को सब पता है कि हमारी कंपनी डायरेक्ट कैंडिडेट्स को भेजती है लोकेशन पे, वहीं से उसका डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिया जाता है, उसकी जो है फॉर्मेलिटी कर ली जाती है, आफ्टर देन पॉलिस वेरिफिकेशन होता है, पॉलिस वेरिफिकेशन के बाद में कैंडिडेट्स ओके हो जाता है, लेकिन ज्वाइनिंग उसकी हैंड टू हैंड हो जाती है। आज बंदा आया है, 1-2 घंटा रेस्ट करने के बाद उसकी ज्वाइनिंग समझ लो। कहने का मतलब है कि बंदा अगर उस लोकेशन पे पहुंच गया तो समझ लो कि उसकी जॉब पक्की है, उसको काम मिलना पक्का है। अब मैं उन कैंडिडेट्स की, उन जो है मेरे सब्सक्राइबर्स की बात करूंगा कि प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मैं कल परसों एक्चुअल बैठे बैठे हम लोग ऐसे देख रहे थे तो
जो है 60-70% ऐसे कैंडिडेट्स जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइबर नहीं रहते हैं, फिर वो वापस फोन करते हैं, सर आपका वो वीडियो देखा था उस जॉब के लिए काम फोन किया मैंने, सर आपका एक्स वाई जेड वीडियो देखा था उस जॉब के लिए मैंने कॉल किया था आपको। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो उससे क्या रहता है कि आपको तुरंत मैं आज वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो रहती है मिल जाती है, तो आपको पता रहता है। आप 6 महीने पुराना वीडियो देख के अगर आप मुझे आज कॉल करेंगे तो ऐसी जॉब जो रहती है वो कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी जो 6 महीने तक चलती रहती है। काम जो रहता है हम लोगों के पास बहुत ही जल्दी फुल हो जाता है, जल्दी फिल हो जाता है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स करें, हम लोग आपका जो कमेंट्स का तुरंत रिप्लाई देते हैं। इसके अलावा वीडियो शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ में, हो सके तो उनको कुछ हेल्प मिलती है। तो फ्रेंड्स हम लोग हाजिर होते हैं एक और नई जॉब अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।